उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि अक्सर मौजूदा सरकार देश की जनता में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बातें करती है, साथ ही सरकार डिजिटल मीडिया की भी बातें करती है। वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश के युवाओं को टेक्नोलॉजी से वंचित किया जा रहा है। मोबाइल फोन पर बैन होने के बाद छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका उपयोग और इसे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश ने स्मार्टफोन बैन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया है। नोटिस के अनुसार राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को स्मार्टफोन लेकर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही नोटिस में छात्रों के अलावा टीचर्स पर भी मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का बैन लगाया गया है। बोर्ड की माने तो उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पाठन पाठन का न बिगड़े। बोर्ड ने यह फैसला सरकार के आदेश के बाद लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश द्वारा सर्कुलर जल्द ही सभी स्कूलों में भेजा जाएगा। जिस भी स्कूल में यह नियम नहीं फॉलो किया जाएगा उनके खिलाफ बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर राज्य सरकार के इस निर्णय पर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अधिकतर क्लासें इंटरनेट के माध्यम से कराई जाती हैं। वहीं मौजूदा सरकार भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बातें करती है, लेकिन राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के विचारों के विरुद्ध जाता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी के इस निर्णय पर सपा नेता अखिलेश यादव ने आलोचना की है। उन्होंने इसे राज्य सरकार का मानसिक पिछड़ापन बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने यूनिवर्सिटीज कॉलेज में मोबाइल फोन बंद करके अपना मानसिक पिछड़ापन साबित कर दिया है। जिनके बच्चे हैं वे जानते हैं मोबाइल शिक्षार्थियों के रास्ते की सुरक्षा, सूचना व ज्ञान के लिए कितना जरूरी है। राज्य सरकार का यह निर्णय काफी अजीब लगता है, वो भी तब जब आज के दौर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में मोबाइल फोन पर बैन बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे छात्रों की पढ़ाई भी काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।